नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हारमोनियम गुरु में। मैं गुरप्रीत सिंह एक बार फिर से हाजिर एक नया वीडियो लेके कॉर्ड्स के ऊपर। तो दोस्तों, कॉर्ड्स आज मैं आपको दो कॉर्ड्स बताऊंगा सिर्फ। ये दो कॉर्ड आपके हर एक गाने में लगेंगे, सिर्फ ये दो कॉर्ड ही सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, आप अगर ये दो कॉर्ड सीख लेते हैं, आप कोई भी गाना, दुनिया का कोई भी गाना पकड़ लीजिए, भले वो किसी भी राग का हो, कोई मैटर नहीं करता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दो ही कोड लगेंगे आपके हर एक गाने में और बार बार वही दो कोड ही रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, अभी जान लीजिए कोड, वो दो कोड है क्या चीज। ठीक है, एक कोड है सा शुद्ध गापा और एक कोड है सा कोमल गापा। ठीक है, बस आपको ये चीज याद रखनी, एक कोड में मेरी सारे स्वर शुद्ध लग रहे हैं, एक कोड में मेरा एक स्वर कोमल लग रहा है, दो शुद्ध लग रहे हैं। ठीक है, और इस कोड का अगर सा शुद्ध का पा वाला कोड निकाला तो मेरे को इसका नंबर है 158, और जो सा कोमल का पा वाला कोड निकाला तो 148। बस सबसे पहली चीज आपको ये याद कर लेनी है, ये चीज याद हो गई कि मेरे को 158 वाला कोड निकालना है और 148 वाला निकालना है, बस। ठीक है, अभी देखिए, हर एक स्केल से सबसे पहला जो अभ्यास आपका रहेगा, हर एक स्केल से पहले 148 वाले कोड निकालो, 158 वाले। अभी मैंने यहाँ पे एक एक चीज ध्यान रख लीजिए, जिस भी नोट का, जिस कोई भी स्वर का, अगर मान के चलिए आपने ये तय किया कि मेरे को इस स्वर का कोड निकालना है, तो इसको एक नंबर ही मानोगे आप। फिर अगर जैसे मैंने बताया, अगर इस स्वर का कोड निकालना है तो 158 लगाओगे तो ये कोड बन जाएगा, 148 लगाओगे तो ये कोड बन जाएगा। हर एक स्वर के दो कोड होते हैं। ठीक है, एक जो मैंने ये देखी, ये मैंने दो तरीके के कोड बताए ना, ये देखिए, ये दो, एक ये तरीके का कोड, एक ये तरीके का कोड। हर एक स्वर के, जैसे मान चलिए पहली काली है, ठीक है, ये पहली काली है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, पहली काली के दो कोड बनेंगे, एक बनेंगे 158 वाला कोड और एक बनेंगे 148 वाला कोड। ठीक है, अगर दूसरी काली भी ले, ये वाला स्वर ले, तो इसके भी दो कोड बनेंगे, एक बनेगा 158 वाला और एक बनेगा 148 वाला, यानी कि एक बनेगा सा शुद्ध गा पा वाला और एक बनेगा सा कोमल गा पा वाला कोड। हर एक स्वर के दो कोड है। अगर मैं पहली सफेद की बात करूं तो इसका भी सेम फंडा, ठीक है, पहली सफेद का भी सेम फंडा है, इसमें भी दो कोड बनेंगे, 158 और 148। 158 मतलब सा शुद्ध गा पा और एक चार मतलब एक सा कोमल का पार। ठीक है, हर एक स्वर के, हर एक स्वर हारमोनियम में जितने भी स्वर हैं, हर एक स्वर, अगर मैं इस स्वर की बात करूं तो इसके दो कोड बनेंगे, 158 सा शुद्ध का पा, 148 सा कोमल का पा। मतलब कि जिस नोट को आपने, जिस नोट का कोड निकालो वो आपका सा है, समझ लीजिए, और वो आपका एक नंबर है। अगर मेरे को, मान के चलिए मेरे को इस सफेद का निकालना है, तो मैं यहां से क्या करूंगा, इसको एक नंबर मानूंगा, पहले करूंगा 158 लगाया तो ये कोड बन गया, 148 लगा तो ये कोड बन गया। इस तरीके से अगर मेरे को इस कोड का निकालना, इस स्वर का निकालना है, कोड निकालना है, तो पहले मैं निकालूंगा दो तरीके के कोड, एक पहले 158 लगाऊंगा तो ये कोड बन जाएगा, 148 लगाऊंगा तो ये कोड बन जाएगा। ये कोड आपने सीख लिया। अभी बात होती है ये गानों में कैसे लग रहे, ये भी देखिए। सबसे पहली चीज आपने सीख लिया कोड, आपको सीखना कैसे, हर एक पहले पहले पहली काली के 158 वाले कोड निकालो, 158, फिर दूसरी काली से 158, फिर तीसरी काली से 158, फिर चौथी काली से 158, फिर पांचवी काली से 158, फिर इसी तरह सफेद पकड़ो, पहली सफेद के 158 कोड निकाल लो, दूसरी का, फिर इस तरह हर एक का निकाल लीजिए। फिर जब 158 वाले कोड हो जाए, फिर 148 को पकड़ लीजिए, हर एक स्वर से 148, ताकि आपका हाथ जो उन कोड्स पे बैठ जाए और आपको पता चल जाए। फिर दूसरी जो चीज करनी है, गाना, गाने पकड़िए, गाने में कोड कैसे लगता है। ठीक है, सबसे पहला जो कोड गाने का लगता है, अगर आपने सोच लिया कि ये मेरे को गाना पहली काली से निकालना, तो आपका जो पहला कोड लगेगा वो यहीं पे ही लगेगा, या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा, ये आपको देखना, चेक करना है। अभी देखिए, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी मैं गाना ले रहा हूँ, गाना कौन सा, हाँ हम ये लेते हैं मेरे महबूब कयामत होगी। तो अभी देखिए, मैं गाना बजा रहा हूँ मेरे महबूब, और मैंने ये गाना, मेरे सोच लिया कि मैं पहली काली से ही बजाऊंगा, मेरा पहली काली ही स्केल। तो मैं देखिए यहाँ से गाना बजा रहा हूँ, देखिए,
अभी ये देखिए, मेरे को ये पता चल गया गाना सुनते ही, क्योंकि मेरा इतनी प्रैक्टिस हो रखी है कि मेरे को सुनते ही पता चल गया कि ये गाना माइनर फील का, यानी कि कोमल स्वरों वाला गाना है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करेंगे, दोनों स्वर, दोनों कोड लगा के देखें। जैसे मैंने गाना बजाया, आप पहले मेजर कोड लगा के देखिए, 1 5 8 लगा के देखिए, फिर 1 4 लगा के देखिए। पहले 1 5 8 वाला कोड लगा के देखिए, 1 4 8 वाला लगा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा कोड उसमें मैच करा। अभी हम दोनों लगा के देखते हैं कि आपको उसका मैं अंतर बताता हूँ, सुन के आप उसका अंतर नोटिस करना। देखिए ये है 1 5 8 वाला कोड, ठीक है, जिसमें सा शुद्ध गा पा लग रहा है। अभी दूसरा कोड देखिए, तो ये देखिए, ये सुनने में पूरा मैच हो रहा। तो मतलब कि इस पे जो हमारा कोड लगेगा 1 4 8 वाला लगेगा, ठीक है। पहला कोड मैंने आपको क्या बताया कि जो पहले का शुरुआती कोड, गाने का शुरुआती कोड, जो सबसे पहला कोड गाने में लगेगा, वो सा वहीं से लगेगा जहां से आपने गाना निकालना शुरू किया। जैसे कि मैंने ये गाना यहां से शुरू किया निकालना, तो देखा मैंने क्या किया, तो मेरा कोड यहीं से बना, 1 4 8 यहीं से बना, ठीक है। फिर दूसरी लाइन आती है, जब दूसरी लाइन की बात आती है, अभी दूसरी लाइन देखते हैं कैसी है। अभी दूसरी लाइन जहां पे खत्म हो रही वो कोड वहां से निकलेगा, ठीक है। दूसरी लाइन देखिए मैंने क्या किया, दूसरी लाइन बजा रहा हूं, तो दूसरी लाइन का कोड ये बनेगा मेरा, और ये माइनर कोड ही है। यानी कि देखिए यहां से आप देखिए इसका कोड देखेंगे तो मेजर कोड बनता है वही 1 5 8 वाला कोड बनता। देखिए 1 2 3 4 5 और 8 ये कोड लगा। अगर 1 4 8 लगाते तो देखिए ये बने, तो ये मैच नहीं करा। देखिए अब ये भी लगा के दिखाता हूँ और ये भी लगा के दिखाता हूँ। देखिए ये नहीं, ये लगेगा। अभी दूसरा लगा के चेक करते, तो नहीं लग रहा, मैच नहीं हो रहा, तो मतलब कि वही कोड आएगा। 1 4 8 वाला नहीं मैच हो रहा, 1 5 वाला। आपको ये लगा के चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अभी इतनी एक्सपीरियंस नहीं, इतनी आपको एकदम से नॉलेज नहीं कि आप सडनली एकदम से चेंज कर सके कोड को, ठीक है। अभी एक चीज़ मैं और, एक और गाना, ये गाने का आपको समझ में लग गया होगा। अभी एक और गाना मैं पकड़ता हूँ, गुलाबी आँखें। अभी उसमें देखिएगा, गाना निकाल रहा हूँ मैं पहली काली से, देखिए असल में देखा जाए तो गुलाबी आंखें का जो गाने का कोड बनेगा ये वाला बनेगा। बट क्या है कि मैं गाना ऊपर नहीं गा रहा, मैं नीचे मध्य में गा रहा हूं, तो कोड भी मध्य का ही लगेगा। देखिए ये चीज बहुत नोटिस करने वाली। मैंने यहां पे क्या किया, ये जो सा मैं ऊपर ले रहा हूं तो ये सा को मैंने नीचे कर दिया, यानी कि ये सा मैंने नीचे कर दिया। देखिए यहां का कोड बना ये वाला, देखिए फिर देखिए, फिर वही कोड आ गया, फिर वही कोड आ गया। मतलब कि जो वही कोड लग रहे 1 5 8 या 1 4 8। अभी देखिए यहाँ पे क्या लगा था, ये वाला कोड जो मैंने लगाया, तो यहाँ पे 1 5 8 लगा। आप गिनिए यहाँ से, 1 2 3 4 5 और 1 5 8, ठीक है। यहाँ पे जो कोड लगा, यहाँ पे भी 1 5 8 लगा। कोड मतलब चाहे 1 5 8 लगेगा चाहे 1 4 8 लगेगा, बस यानी कि सा शुद्ध गा पा या फिर सा कोमल गा पा। जिस स्वर का आपको कोड निकालना वो आपका सा होगा। अगर आपको इस स्वर का कोड निकालो तो ये आपका सा है, और यहाँ से आपको 1 5 8 निकालोगे तो शुद्ध गा बन जाएगा। अगर 1 4 8 निकालोगे तो सा कोमल गा पा बन जाएगा, ठीक है। ये धीरे धीरे समझ आएगा जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे, इन कोड्स को बार बार बजाओगे, तभी ये चीज़ समझ में आएगी। एक दो बार, तीन बार, चार बार मेरे बताने से आपको नहीं समझ आएगी। ये आपको समझ तब आएगी जब आप उन चीज़ों को खुद से अपने हारमोनियम पे बैठ के निकालेंगे, जहाँ उन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहली कोशिश करें कि आप
हर एक नोट से, हर एक स्वर से, हर एक स्वर के दो कोड हैं, जैसे मैंने बताया एक पांच आठ है और एक चार आठ, निकालना सीखिए। पहले एक पांच आठ वाले निकालिए सारे कोड, फिर एक चार आठ पकड़िए, फिर एक चार आठ पे जाइए, एक चार आठ वाले कोड निकालिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। असलन तर अगर देखा जाए तो, सही तरीके से देखा जाए तो सिर्फ दो ही तरीके के कोड बनते हैं, एक बनता है एक पाँच आठ वाला और एक बनता है एक चार आठ वाला। पूरे गाने में, हर एक गाने में ये दो कोड ही चलते हैं, बस बस वो होता है कि गाना अगर आपका यहाँ पे रुक रहा है तो यहाँ पे एक पाँच आठ लग जाएगा, जाए एक चार आठ लग जाएगा। अगर गाना आपका यहाँ पे रुक रहा है तो यहाँ पे आपका एक पाँच आठ लग जाएगा, जाए एक चार आठ लग जाए। जाने कि जहाँ पे आपका गाना रुकना है, गाने का जो लाइन खत्म हो रही, जब पार्ट एंड हो रहा है, बस उसी नोट से आपको वो कोड लगाना है, एक पाँच आठ जाए एक चार आठ। बस ये फंडा है और कुछ नहीं है, बस आपको वो सोचना है कि आपका वो कौन सा कोड उस पर मैच कर रहा है, एक पाँच आठ वाला मैच कर रहा है या एक चार आठ वाला मैच कर रहा है, वो आपको नोटिस करना और उसको आपको समझना पड़ेगा। तो होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कोई भी दिक्कत हो तो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।